नाम की महिमा हो। ऑडियो वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने फिर एक बार समय दिया है प्रभु के वचन के द्वारा आपको कुछ बात कर सके। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपके जीवन में कार्य करने पाए। आप मेरे साथ पवित्र शास्त्र को खोलें, भजन संहिता की बुक है उसकी 42 अध्याय 1-2 तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 42 वर्स 1-2 वी विल रीड इट। जैसे हिरनी के जल के लिए हाँपती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूँ। जीवित ईश्वर हाँ परमेश्वर, मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। इस जगह में हम देखते हैं दाऊद भजन संगीता में उनकी जीवन में कुछ प्यासा रखा है, उनकी दिल में कुछ आशा है, उसकी बारे में उसने बता रहा है। मेरे मन जीवित परमेश्वर की प्यासा है करके लिखा है। किसकी सम्मान है? एक हिरनी जैसा पानी के लिए प्यासा में ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, वैसा ही मेरे मन में भी प्यासा है करके दाऊद ने बोल रहा है। आज बहुत लोग के मन में प्यासा है, बहुत लोग के दिल में कुछ आशा है। क्यों? कितना टाइम से कुछ चीज हमको नहीं मिलेगा तो हमारा अंदर प्यास बढ़ जाते हैं। कभी इसको ढूंढते हमारा अंदर इतना प्यासा रहते हैं। आज के समय में कुछ लोग को पूछेंगे तो कुछ लोग के दिल में होगा, मुझे कभी ये समस्या से मैं बाहर आ सकता हूं, ये मेरे जीवन में कैसा आने वाला समय होगा करके उसकी प्यासा में रहते हैं। बच्चे लोग के पूछेंगे तो स्कूल कभी ओपन होगा करके उनकी प्यासा में रहते हैं। मेरा जिंदगी, मेरा फ्यूचर कैसा होगा करके कुछ लोग का प्यासा है। कुछ लोग का अपने परिवार की बारे में चिंता है, उसकी बारे में उनकी प्यासा है। परंतु इस जगह में भजन संगीता में राजा दाऊद ने एक अच्छा सा बात को बता रहा है। वापस उस वचन को पढ़ेंगे, दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। जीवित ईश्वर हाँ परमेश्वर मैं उसकी प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं? उनकी दिल में एक प्यासा है, मैं कब जाके परमेश्वर के सामने मेरा मुंह दिखा सकता हूँ, उसकी हजूरी में मैं कभी जा सकता हूँ, यही प्यासा है करके दाऊद ने बता रहा है। और भी एक अध्याय को हम पढ़ेगा तो इस भजन संगीता की बुक में और एक अध्याय को आप पढ़ेगा तो लिखा है 63 अध्याय उसकी 1-2 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन द बुक ऑफ साम्स 63:1-2। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर अति अभिलाषी है आपके ऊपर। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान पर तुझ पर मैंने दृष्टि की। तेरे सामर्थ्य और महिमा को देखूं, मेरे आपकी महिमा को मैंने देखूं। अच्छा सा लिखा है, दाऊद की इच्छा है, दाऊद की मन में प्यासा है, इस परमेश्वर को मैं कभी देखूं, इस परमेश्वर के सामने मैं कभी खड़ा हो सकता हूं। इंग्लिश में लिखा है When shall I can come and appear before God करके लिखा है। आज सुबह के समय में सबकी दिल में कुछ चीज की प्यासा है, सबकी मन में अलग अलग प्यासा है, परंतु इस मनुष्य के जीवन में, इस दाऊद के जीवन में एक प्यासा है, कभी मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूं, कभी मैं परमेश्वर की सम्मुख में रह सकता हूं करके उसके दिल में एक प्यासा है। इस प्यासा के लिए, इस प्यासा पूरा होने के लिए उसने कुछ बात को बताया है। मैं 2-3 व्यक्ति के जीवन में पवित्र शास्त्र में जो लिखा है कैसा वो लोग परमेश्वर की सम्मुख में रहने के लिए पसंद किया है, कैसा परमेश्वर की सम्मुख से कुछ लोग दूर भी चला गया है, उनके बारे में भी मैं बताने के लिए जाता हूं। क्या चीज, क्या वस्तु हमें परमेश्वर की सम्मुख से दूर करता है उसके बारे में पहचानने की आवश्यक है, ताकि हमारा मन में भी एक प्यासा हो सकता है, हम भी परमेश्वर को प्यासा में रह सकता है।
आज सुबह के समय में आप और भी कुछ भजन को आप देख सकते हैं, दाऊद की जो भजन संगीता की बुक में 43 में 3 और 4 भजन को भी पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है और अपनी सच्चाई को बेच, अपनी प्रकाश और सच्चाई को बेच, वे मेरी अगुवाई करे, मेरे मदद करे, अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरे सम्मुख पर, तेरे निवास स्थान में पहुंचाए, तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। लिखा है भजन संगीता में दाऊद की दिल की जो आशा है, उसकी प्यासा के बारे में लिखा है, उसकी यही प्यासा है आपकी प्रकाशित और आपकी सत्य को मेरे लिए आप बेच के आपकी सन्मुख जाने के लिए मुझे लीड कर करके बोल रहा था। मैं आज कुछ चीज के बारे में आपके सामने रख के अंत करने के लिए जाता हूं, ताकि आपकी प्यासा भी इस दाऊद की तरह आज सुबह के समय में बन जाए। बाइबल में हम देख सकते हैं भजन संगीता की बुक है उसकी 51 है, 3 और 4 वजन को हम पढ़ेंगे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैंने अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने केवल आपकी विरोध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरे दृष्टि में बुरा है, वही किया है, वही मैंने किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में आज्ञा ज्ञान सिखाएगा। बस बहुत अच्छा सा लिखा है। आप इस पूरी अध्याय में जाओ, दाऊद जो अपने जीवन में पाप किया था, परमेश्वर की विरोध पाप करने की वजह से परमेश्वर की सन्मुख से दूर हो गया था, उसके बारे में उसने लिखा है, अच्छा सा लिखा है, मेरे पाप की वजह से उसके बारे में उसने याद कर रहा है। आप दूसरी वजन को पढ़ेगा तो लिखा है, दूसरा वजन तो हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सा लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरी अधर्म दूर कर, मेरे अधर्म को दूर कर, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। क्योंकि दाऊद जान लिया था, दाऊद ने पहचान लिया था, मेरे पाप के निमित्त, मेरे अधर्म के काम के निमित्त मैं परमेश्वर की अजूरी से दूर हो गया हूं। इस बात को पहचानने के बाद उसकी दिल में ये आशा आ सकता है, उसकी दिल में एक प्यास आ सकता है, परमेश्वर की अजूरी में मैं कभी जा सकता हूं करके उसकी दिल में एक आशा आ सकता है। तब उसको आशा आया है पाप को पहचान पाने के बाद। आज इस सुबह के समय में हमारे जीवन में भी पाप को, अधर्म के काम को पहचानने की अवश्य है। उसको हम जानेंगे, हम परमेश्वर की अजूरी को पसंद करेंगे। इसलिए उसने तीसरा वजन में लिखा है, वापस हम पढ़ेंगे तीसरा वजन को हम पढ़ेंगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैंने अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। दाऊद की आशा है, उसकी दिल की एक इच्छा है, मैं परमेश्वर की सम्मुख में रहने के लिए, परमेश्वर की नजर में रहने के लिए। अगर परमेश्वर की नजर में रहने के लिए अपनी आंखों की नजर में अपनी पाप के बारे में सोचने की अवश्य है, उसके बारे में हम उससे बदलने की अवश्य है। इसलिए और एक अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, भजन संगीता की बुक है उसकी 66:17 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सा लिखा है, मैंने इस परमेश्वर को पुकारा हूं और उसी की गुनाहवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, अगर मेरा मन में अनर्थ की बात में सोचता हूँ, तो प्रभु मेरी ना सुनता, प्रभु मेरी ना सुनता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, परंतु परमेश्वर ने सुना है, अब उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है, उस परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। इस जगह में हम पढ़ते हैं दाऊद ने बोल रहा है, मेरे हृदय में मैं कैसा रहता हूं, मेरे मन शुद्ध होने से हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। अगर मन में शुद्ध नहीं है, अगर मन में पाप है, हम इस परमेश्वर की हजूरी में नहीं रह सकते हैं,
हम इस परमेश्वर की सन्मुख में नहीं आ सकते हैं, इसलिए दाऊद जानता है, दाऊद और भी जगह में लिखा है, मैं इस परमेश्वर की सन्मुख छोड़ के मैं किधर जाऊं, मैं किधर भी जाए उधर परमेश्वर की नजर मेरा ऊपर है। आज सुबह के समय में आपकी मन की जो आशा है, आपके मन के अंदर यह प्यास होना चाहिए, मेरा शरीर और मेरा जीवन, मेरे आत्मा परमेश्वर की नजर में अच्छा रहने के लिए पसंद करने की अवश्य है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, दाऊद की जबूर की बुक है 101 और उससे एक से लेकर तीन तक हम पढ़ेंगे। तो बुक ऑफ साम्स 101:1-3, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा, ये मैं तेरा ही भजन गाऊंगा, मैं बुद्धिमान से खरे मार्ग में चलूंगा, मैं बुद्धिमान से खरे मार्ग में चलूंगा, तुम मेरे पास कब आएगा, तुम मेरे पास कब आएगा, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं अपने मन में मन की खराई के साथ में चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित ना लगाऊंगा, मैं बुराई काम पर चित ना लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घी रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा, ऐसा काम में मैं ना लगूंगा, पापी की काम में, बुराई की काम में मैं कभी नहीं लगना चाहता हूं, क्योंकि मैं मेरा परमेश्वर मेरे साथ रह सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे घर में आने के लिए मैं इस चीज से बच के रहना पसंद करता हूं। आज सुबह के समय में आपके पास पैसा हो, आपके पास जो कुछ हो नहीं हो उसकी प्यासा में नहीं है, परंतु आपके पास अगर परमेश्वर है, आपके पास परमेश्वर की सम्मुख है, आपके जीवन में शांति मिल सकता है। पैसा से किसी को शांति नहीं मिल सकता है, और अपने लेवल से, अपनी पोजीशन से कुछ दिन तक होगा शांति, परंतु अंत तक नहीं हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की अजूरी आपके साथ रहने से आपके जीवन में हमेशा के लिए परमेश्वर आनंद देता है, शांति देता है। इसलिए दाऊद की प्यासा, दाऊद की मन की जो आशा है, प्रभु यीशु उसके साथ रहना है, उसकी सामने खड़ा होने की पसंद करता है, उसकी प्रशंसा में रहने के लिए वो पसंद करता है। और भी एक बात को आप पढ़ सकते हैं, सेम दाऊद की बुक में 86 में 1-2 वचन को भी पढ़ेंगे। हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, कान लगाकर मेरे बात को सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ, मैं दीन और दरिद्र हूँ, मेरा प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है, जिसकी भरोसा तुझ पर है, उदार कर करके लिखा है। दूसरा एक बात लिखा है, पहला हमारे जीवन में पाप के बारे में जानने की अवश्य है, अधर्म की काम के बारे में जानने की अवश्य है, बुराई के बारे में जानने की अवश्य है। इस बात को आप जानेंगे, आपके हृदय के अंदर आपकी जो आशा है, आपकी जो प्यास है, परमेश्वर के ऊपर जा सकता है। दूसरा एक बात लिखा है, दाऊद ने बोलता है, मैं तो भक्त मनुष्य हूं, मैं तो परमेश्वर की डरने वाला हूं, परंतु इस वचन में लिखा है, इसलिए मेरे बात को आप सुन ले करके लिखा है, मेरा भरोसा आपके ऊपर करके बोल रहा है। और भी एक वचन पढ़ेंगे उस सेम 88 में, सेम बुक में, भजन संहिता की बुक है 88 एक से लेके आप उसमें भी 2 तक हम पढ़ेंगे। करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन के और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं, दिन और रात मैं आपके आगे चिल्लाते रहा हूं, मेरा प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की और कान लगाए, क्योंकि मेरे प्राण क्लेश से भरा है करके लिखा है। इससे दाऊद की एक प्रार्थना, दाऊद के बारे में इसमें लिखा है, उसने बोल रहा है, मेरे प्रार्थना आपकी सन्मुख आ जाए, आपकी प्रशंस को मेरे प्रार्थना आने के लिए, लेट माई प्रेयर कम टू रीच यूर प्रसन्स, आज मेरा प्रार्थना आपकी सम्मुख में आना है। कैसा आपकी प्रार्थना उसकी सम्मुख में जा सकते हैं, आप भक्तिमान बनने के वजह से, आप भक्त में बढ़ने से, इसलिए इस वचन में लिखा है, दिन और रात मैंने प्रार्थना करता हूं। आज समस्या के समय में, इस संसार में सब कुछ चेंज हो गए हैं, सबके जीवन में नुकसान है, सबके जीवन में तकलीफ है, सबके जीवन में परेशान है, इसके बीच में आप हम परमेश्वर की भक्त में रहने की अवश्य है।
क्योंकि परमेश्वर से कितना भक्त में रहते हैं, कितना परमेश्वर के साथ आपकी कनेक्शन है, कितना परमेश्वर के साथ आपकी रिलेशन है, उसके अनुसार आपकी प्रार्थना परमेश्वर की सम्मुख में पहुंच सकता है। आज भक्त बनने के लिए दाऊद ने, दाऊद के बारे में लिखा है, उसने अपने आप को भक्त करने के लिए रात दिन अपने वक्त निकाल रहा है। आज आपके समय में, इस संसार में, इस समस्या के बीच में भी आपके पास समय नहीं है। आप और कुछ चीज को देखते हैं और कुछ चीज के ऊपर अपने कान लगाते हैं, अपने आग लगाते हैं, परंतु रात दिन इस दाऊद के बारे में लिखा है, उसने परमेश्वर से विनती किया है। आज आपकी विनती वक्त के साथ परमेश्वर से विनती करेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपकी मन की प्यास परमेश्वर के पास रह सकता है। और भी एक वजन को हम पढ़ेंगे, दाऊद की जबूर की बुक है 141 है, उसकी एक और दो वजन को हम पढ़ेंगे। मैंने तुझे पुकारा है मेरे लिए पूर्ति कर जब मैं तुझको पुकारूं मेरे और कान लगाए मेरी प्रार्थना आपके सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल की अनबली ठहरे। इस बात को ध्यान से समझे, इस वजन में अच्छा सा लिखा है, मेरे प्रार्थना आपकी अजूरी में एक धूप जैसा आने की अवश्य है। आप धूप जलाने से परमेश्वर की नजदीक नहीं जा सकते हैं। इस वजन की लिखा है आपकी प्रार्थना की द्वारा, अच्छा सा वापस उस वजन को हम पढ़ेंगे, लिखा है वापस पढ़ेंगे, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल की अन्य बलि ठहरे। यही भक्तिमान की जीवन है। भक्ति करने वाले की जीवन में उसकी प्रार्थना इतना सुगंध बलि ऐसा हो जाते हैं। भक्तिमान की जीवन की वजह से, उसकी चाल चलन की वजह से, उसकी आपके काम की वजह से, उसकी सोच समझ जो कुछ सोच लेते हैं, जो कुछ करने के लिए जाते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर तृप्त होता है। वही व्यक्ति परमेश्वर के हजूरी में जा सकते हैं, वही व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाला होंगे परंतु आपके अंदर परमेश्वर की भक्ति नहीं है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो सकता है। आपके अगर अंदर भक्त है, उस भक्त के द्वारा आपकी प्रार्थना एक सुगंध दूबक के समान परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। उस परमेश्वर की सुगंध दूबक को परमेश्वर लेने के लिए आपके पास आ सकता है करके लिखा है। और भी एक वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी की बुक में लिखा है, यशायाह नबी की बुक में 55 है, उसकी 3-6 तक भी पढ़ेंगे। कान लगाओ मेरे पास आओ सुनो तब तुम जीवित रहोगे मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा अर्थात दाऊद की जीवन पे अटल करुणा की वाचा सुनो, मैंने उसके राज्यों के लोगों के लिए साक्षी और प्रदान और आज्ञा देने वाला ठहराया है सुन, तू ऐसे ही जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी, वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इसराइल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे पवित्र के निमित्त यह करेंगे सौभाग्यमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो तब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर वह उस पर दया करेगा हमारे परमेश्वर की ओर फिरे वह पूरी रीति से वह क्षमा करेगा। इस वचन में भी लिखा है,
इस दाऊद की बारे में यशायाह नबी ने बता रहा है, इस वजन में अच्छा सा लिखा है, परमेश्वर को हम तब तक मिल सके उस समय तक ढूंढने की अवश्य है। इसकी मतलब आपकी भक्ति मेरे भक्ति परमेश्वर की पसंद होना है, और किसी को दिखाने के लिए हम अपनी भक्ति की भक्तिमान जैसे हम दिखा सकते हैं, परंतु परमेश्वर की नजर में आप भक्तिमान ठहरने की अवश्य है। आपकी भक्ति परमेश्वर के सामने प्रकट होने की अवश्य है। उस भक्ति के बारे में इस वचन में लिखा है, उसको तब तक हम उस परमेश्वर की निकट है उस समय तक उस परमेश्वर को हमें पुकारने की अवश्य है। कैसा हम निकट हो सकते हैं? अपनी रास्ता को हमें जानने की, पहला हम अपने पाप को जानने की अवश्य है, जिस तरह अधर्म की काम की जानने की अवश्य है। दूसरा इस वजन बतलाती है, सात वजन में लिखा है, अच्छा सा लिखा है, हमने वापस इस यहोवा परमेश्वर पर पास इस जीवित परमेश्वर के पास हमें लौट के आने की अवश्य है। पढ़ेंगे सात वजन वापस हम पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे वह उस पर दया करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर दया करने वाला है। वह हमारा परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, पूरी रीति से वह क्षमा करेगा। परमेश्वर की हजूरी में खड़ा होने के लिए दूसरा एक बात आप भक्तिमान करने की अवश्य है। कब आप भक्तिमान करेंगे? हाथ की बुरा चाल चलन से, हाथ की बुराई काम से, गलत मार्गों से आपने लौट कर वापस परमेश्वर के पास आना है, उसकी निकट रहना है। इसलिए लिखा है ऐसा खोज करने की अवश्य है, परमेश्वर तब मिल सकता है। वो परमेश्वर तब मिल सकते हैं हम भक्तिमान करेंगे, हम पवित्र करेंगे, हम पवित्र बनेंगे, उस परमेश्वर के सामने हम खड़ा हो सकते हैं, उसके अजूरी में हम डर सकते हैं करके लिखा है। तीसरा एक व्यक्ति को मैं आपके सामने रखने के लिए जाता हूं। तीसरा बात को हम देखेंगे, योना नबी की बुक है, उसकी पहला अध्याय 8-10 तक पढ़ेंगे। इस जगह में एक परमेश्वर की दास है, उसने परमेश्वर की अजूरी को, परमेश्वर की सम्मुख को छोड़ने के लिए कुछ कारण हुआ है। क्या चीज है आप देख सकते हैं, योना नबी की बुक है, उसकी पहला अध्याय 8-10 तक हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने उससे कहा हमें बचा कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने यूना ने उन लोग से उत्तर दिया है, मैं इब्री हूं स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्तर दोनों को बनाया है, उसकी भाई मानने वाला व्यक्ति हूँ। सब लोग डर गए हैं और उससे कहने लगे तूने क्या किया है। वे जान गए थे कि यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही को उनको बता दिया था। वो खुद अपने बारे में बता रहे थे, परमेश्वर के सम्मुख से भाग के आ गया है, परमेश्वर के सम्मुख को पसंद नहीं किया है। परमेश्वर की सम्मुख में कैसा वो भाग के आया है, इस वजन को आप देख सकते हैं। योना के इंजिल में पहला अध्याय उसकी 2-30 वजन को हम पढ़ेंगे, क्यों वो परमेश्वर के सम्मुख से भाग गया करके आप देख सकते हैं। उठकर उस बड़े नगर नीनीवे को जा, परमेश्वर की वाणी योना के जीवन में हुआ है, उठकर बड़ा नगर नीनीवे में तुम चला जाए और उसके विरुद्ध प्रचार कर, उसके विरुद्ध तुम प्रचार करें, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि पर बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से दर्शिस जगह के भाग जाने के लिए उठा है और याफा नगर को जाकर दर्शिस जाने वाले एक जहाज को पाया और बाड़ा देकर उस पर चढ़ गया है उनके साथ यहोवा की सम्मुख से दर्शिस को चला जाए। उनके दिल में परमेश्वर की बात को डिस्कार्ड किया है,
परमेश्वर की बात को नहीं माना है। प्रभु ने बोला है मेरे दिल की इच्छा को तुम्हें पूरा करने की अवश्य है, मेरे मन में कुछ जगह में रहने वाले के लिए चिंता है, उनको बुराई से बचाने के लिए तुम जाके उधर प्रचार करने की अवश्य है। परंतु यूना ने उस बात को नहीं माना है, परमेश्वर की बात को डिस्कार्ड करके उसको छोड़ के उसने खुद अपनी मर्जी पर चला गया है। आज आप हम इस समय के बीच में किसकी मर्जी पे चल रहे हैं, अपने आप को जांचें। परमेश्वर की वचन आपके जीवन में मिलता है, परमेश्वर की पवित्र वचन को आप देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे, परंतु केवल उसको क्या करते हैं, तुझ समझ के उसको छोड़ देते हैं। आज याद करें यूना ने परमेश्वर की बात उसके अंदर से हुआ है, उसके जीवन में मिला है, मिलने के बावजूद भी उसने अपनी मर्जी के अनुसार खुद बाड़ा देखकर उसने दूसरी जगह में जाने के लिए पसंद किया है। अंत में क्या हुआ है, उसके पास जो साधन लेके गया था जहाज में, आप उस अध्याय को पूरा पढ़ेगा तो लिखा है ऐसा समस्या हुआ है जहाज डूबने के समान हो गया है, उस समय जो कुछ प्रॉपर्टीज जो कुछ लेकर आया था सबको उठा के समुद्र में फेंक दिया है, सब कुछ ही चला गया है, प्रभु की हजूरी से छोड़ के भाग रहा था, उसके पास जो था वो सब कुछ ही चला गया है। अंत में क्या हो रहा है, उसने खुद बोल रहा है मुझको उठा के समुद्र में डाल दे, परमेश्वर की सन्मुख से दूर हो गया है। उसकी जीवन की समस्या को आप देख सकते हैं, उसकी बात उसके जीवन में बदलाव आया है। आप देख सकते हैं यूना नबी की बुक में दूसरा अध्याय में 4 वचन तो आप सब जानते हैं यूना नबी के जीवन के बारे में, समुद्र में जाने के बाद भी परमेश्वर ने, वो दयालु है, परमेश्वर ने उसके ऊपर दया रखा है, उसको बचाने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने एक मछली को बेच के उसके अंदर से परमेश्वर उसको पालन करता है। उसके बाद उसके जीवन में क्या हुआ है आप देख सकते हैं योहन्ना के इंजिल में दूसरा अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 4 वचन को हम पढ़ेंगे, 4 वचन को पढ़ेंगे। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया, मैंने अपने आप को मेरे आपके सामने से निकाल दिया था, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा, मैं कैसा आपकी पवित्र मंदिर की फिर जाऊंगा, मैं जल से यहाँ तक गिरा हूँ, मैं जल से यहाँ तक गिरा हूँ कि मेरे प्राण निकल जाते हैं, गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर से सिवार विपटा हुआ था, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंचा गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी ए परमेश्वर, उसने बोल रहा है सदा के लिए मैं भूमि के अंदर बंद हो गया है। आज भी सोचते होंगे इतना दिन से हम भी बंद हो गए हैं, इतना दिन से हम भी ऐसा पड़े हैं, आगे भी इस वजन को पढ़ेंगे उसकी आत्मा के अंदर कितना व्याकुल करके आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे। तूने मेरे प्राणों को घड़े से उठाया, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, मैंने उसके बाद यहोवा को स्मरण किया है, मेरी प्रार्थना तेरे पास वर्ण तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गया है। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपना करुणा निदान को छोड़ देते हैं। आज याद रखें परमेश्वर को छोड़ दे दिया है, परमेश्वर के वचन को छोड़ देता है, परमेश्वर की बात उसके जीवन में आया है, परमेश्वर बार बार उससे बात कर रहा है, सब कुछ छोड़ देने के बाद उसने बोल रहा है मैं अंदर आके पसाऊं, अभी धरती की एकदम नीचे की जगह में मैं फंसा हूं, समुद्र की अंदर में गया हूं, खड्डे के अंदर में गया हूं, मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है करके उसके अंदर बोझ आया है, उसकी बात पहचान रहा है अपने जीवन में, बोल रहा है अच्छा सा उस वजन में लिखा है। वापस वो 8वां वजन को हम पढ़ेंगे, 8वां वजन को हम पढ़ेंगे। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। आज अपने आप को जांच ले, हमें पाप के बारे में जानने की अवश्य है, आपके अंदर जो अधर्म के काम है
हर दिन आपकी आंखों के सामने आने की अवश्य है, उससे क्षमा होने की अवश्य है, उससे मुक्त होने की अवश्य है। दूसरी बात, हमें भक्त बन के हम परमेश्वर से प्रार्थना करने की अवश्य है, दिन रात हमारा प्रार्थना परमेश्वर की सम्मुख में हमें लेके जाने की अवश्य है। तीसरा, इस वचन में लिखा है जो व्यर्थ कामों में व्यर्थ चीजों के ऊपर जो अपने मन लगाता है उससे हमें बच के रहने की अवश्य है, क्योंकि वो परमेश्वर की जो कृपा है मेरे जीवन में है, अनुग्रह है, उसको रुकने के लिए ताकत उसके पास है। परमेश्वर की बात को नहीं माना है, परमेश्वर की बात को तुच्छ समझ के यूना में गया है। अंत में उसको मालूम पड़ा है मेरे जीवन में उत्तम बात है परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, परमेश्वर की बात को परमेश्वर की वजन के द्वारा चलना है, उसकी आवाज मेरे अंदर काम करने की अवश्य है करके उसने पहचान लिया है। और एक आदमी के बारे में आपके सामने मैं रखने के लिए जाता हूं इस अध्याय में, और भी एक वचन को पढ़ेंगे, तीन वचन को हम पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय तीन वचन को पढ़ेंगे। अंत में पहचानने के बाद यूना ने क्या बोल रहा है करके लिखा है, पढ़ेंगे। यहोवा के वचन के अनुसार तब यूना ने परमेश्वर के वचन के अनुसार नीनीवे को गया। नीनीवे एक बहुत बड़ा नगर था। बस इस वचन में लिखा है, पहला परमेश्वर की वचन आया था, उस वचन को नहीं माना है, डिस्कार्ड कर दिया है। अंत में सब कुछ होने के बाद उसको पता चला है, उसने उठकर परमेश्वर की बात को सुनकर उसके अनुसार जिस जगह में परमेश्वर जाने के लिए बोला है उस जगह में उसने चला गया है। आज परमेश्वर की वचन को रेस्पेक्ट करने की अवश्य है, उस वजन की अनुसार चलने की अवश्य है, उस वजन को पालन करने की अवश्य है। मैं बार बार मेरा प्रचार में यही बोलता हूं, परमेश्वर की वजन को हम सुनने वाला नहीं है, हम देखने वाला नहीं है, पालन करने वाला बनने की अवश्य है। हर दिन एक वजन को, एक अध्याय को आप पढ़ते हैं, उस अध्याय से आप परमेश्वर से पूछें, इस अध्याय के द्वारा मैं क्या अधीन करने की अवश्य है, क्या वचन को मैं पालन करने की अवश्य है, आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है करके आप पूछेंगे, आपकी जीवन में परमेश्वर तो सम्मुख आपके साथ रहेगा। और भी एक आदमी के बारे में मैं दिखाना चाहता हूं, हम सब जानते हैं उत्पत्ति की बुक में, आप खोल सकते हैं उत्पत्ति की बुक है उसकी तीसरा अध्याय, आदि मनुष्य के बारे में हम सब जानते हैं, इस अध्याय को वो हम देख सकते हैं, तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय उसकी 16-17 वचन को हम पढ़ेंगे। आदम को यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, ये आज्ञा उसको परमेश्वर ने दे रहा था, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो भले और बुरे काम का ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाएगा उसी दिन तुम अवश्य मर जाएगा करके लिखा है। आप देख सकते हैं परमेश्वर ने आदम को बुला के, अकेला था, परमेश्वर ने पर्सनली उससे बात कर रहा है, पर्सनली परमेश्वर ने उसको समझा रहा है, तुम्हारा जीवन में यही करना है, मैंने सब कुछ तुम्हारा सामने रखा है, केवल एक चीज को, एक वृक्ष को मैंने तुमसे अलग रखने के लिए जाता हूं, तुम्हारा कनेक्शन उसके साथ रहने की अवश्य नहीं है, वो तुम्हारा शरीर को छूना नहीं है करके परमेश्वर उसको अलग करके परमेश्वर करने के लिए बोल रहा था। परमेश्वर की यही वाणी हुआ है, परमेश्वर ने बोल रहा है तब तुम उसको खाएगा, तुम्हारे जीवन में क्या होगा, पढ़ेंगे वापस उस वजन को, लास्ट में लिखा है 17 में लास्ट पार्ट लिखा है, जिस दिन तुम उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर की इतना वार्निंग है, इतना अच्छा सा परमेश्वर ने उसको समझाया है। उसकी बात क्या हुआ है आप देख सकते हैं, तीसरा अध्याय को खोले सेम उत्पत्ति की बुक में, हम सब इस बात को जानते हैं, फिर भी आपकी दिल में वापस इस बात को मैं लेकर आता हूं ताकि हम समझ सके, हम परमेश्वर के सम्मुख में जीने वाला रह सके करके मैं विश्वास करके इस बात को बताता हूं। तीसरा अध्याय तीन वचन को हम पढ़ेंगे, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, उसकी फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो
मर जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, चार और पांच वचन भी पढ़ेंगे, तब सर्प ने उस स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है, आप परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाएंगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उसी दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएंगे, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, भले बुरे की ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर की तुल्य हो जाएंगे। प्रभु क्लियर बताया है, इस चीज को तुम खाएंगे, इस फल को तुम खाएंगे, उस दिन तुम मर जाएंगे करके बोल रहा है। उसके सामने वो थोड़ा समय के बाद सैतान उसके सामने आके, उसकी स्त्री के सामने आके बात कर रहा है, ये तो ऐसा नहीं है, तुम ये करे काम करेगा तो तुम जीवन पाएंगे, तुम परमेश्वर के सम्मान होएंगे करके उसको ड्रीम दिखाता है, उसको फ्यूचर के बारे में बता रहा है। उस वक्त क्या किया है, उस वृक्ष के फल को बोलो लिया है। आगे क्या हुआ है आप देख सकते हैं, आप उत्पत्ति की बुक में तीसरा अध्याय उसकी आठ और नौ वचन को हम पढ़ेंगे, आठ से लेकर दस तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय पर वाटिका में परमेश्वर फिरता था, शब्द परमेश्वर के सुनाई दिया है। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका, आदम और उसकी पत्नी वाटिका में से के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, यहोवा परमेश्वर से छिप गए हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, पुकार कर परमेश्वर ने आदम से पूछा है, तू कहाँ है? उसने कहा मैं आपकी शब्द बारी से सुनकर डर गया हूँ, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया है। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तू उनका बस फल खाया है? इस वचन में अच्छा सा लिखा है, परमेश्वर ने आदम पहला मनुष्य को परमेश्वर ने पुकारता है, किस वाटिका में परमेश्वर ने रखा था, किस जगह में परमेश्वर की प्रशंसता, परमेश्वर की संगुप्ता उस जगह में रहते थे, परंतु वो लोग ने परमेश्वर की जो आज्ञा उनके जीवन में दिया गया था उसको माना नहीं है, उसको तोड़ लिया है और किसी का बात को मान लिया है, सैतान को बात की मान लिया है। आज भी समस्या के समय में आपको बहुत हवा जा सकते हैं, बहुत आवाज, बहुत शब्द आ सकता है, बहुत बात को आप देखे होंगे, बहुत चीज आपके जीवन में अटैक किया होगा, इसके बीच में आपकी विश्वास परमेश्वर की बात के ऊपर होने की अवश्य है, आपके मानने के अवश्य है, परमेश्वर की बात को मानने के अवश्य है। प्रभु ने बोला है दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहता हूं करके परमेश्वर ने वादा किया है, परंतु इस समस्या के बीच में हम ये घबरावट में आ जाते हैं क्योंकि हमारा बात परमेश्वर की मानने से नहीं है, हम और किसी बात को मान लेते हैं, दुनिया बोलते हैं, इस संसार में और कुछ चीज बोलते हैं, तुम्हारा जीवन ऐसा ही रहेगा, अभी तुम्हारा जिंदगी नहीं होगा, तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है करके लोग बता देंगे। उस बात को सुन सुन के और दुष्ट आत्मा की भी बात सुन सुन के हमारा माइंड उसके पीछे चला जाते हैं, परंतु इस वचन में लिखा है उसकी बात आदम ने तब परमेश्वर की बात को नहीं माना है, परमेश्वर की मांग को डिसोबे किया है, उसकी बात उसके जीवन में सैतान ने आके जो बताया है अपनी दिल की इच्छा के अनुसार, उसने उस वजन में लिखा है तीसरा अध्याय में से वजन में लिखा है किसकी वजह से उनकी जीवन में ऐसा दूसरी रास्ता में गया है करके लिखा है, पढ़ेंगे से वजन को हम पढ़ेंगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन बाहू और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अपने आप निर्णय कर लेते हैं अपने देखने से, हमारे मन में सोचने से निर्णय लेके परमेश्वर की बात को ब्रेक कर दिया है, परमेश्वर की बात को नहीं माना है, देखने की वजह से, हमारे दिल से सोचने की वजह से निर्णय लेके खुद भी खराब कर रहा है, अपनी परिवार को भी खराब कर रहा है। आज परमेश्वर की सम्मुख में रहने की आवश्यकता है,
इस समस्या के बीच में आपकी मन की प्यासा प्रभु के ऊपर होने के अवश्य है। देखने वाले चीज के ऊपर नहीं है और किसी के ऊपर नहीं है और किसी की भरोसा पे नहीं है, परमेश्वर की भरोसा पे रहने की अवश्य है। परमेश्वर की बात कभी भी झूठ नहीं हो सकता है। उस वजन के ऊपर विश्वास करने की अवश्य है, उस वजन के अधीन होने की अवश्य है, उस वजन को हमारे जीवन में ग्रहण करने की अवश्य है। उसकी वजह से हम सदा तक जीवित में रह सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहने वाला है। वो कभी भी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। आज आप हम हमारा मन के अंदर एक प्यासा होने की अवश्य है। हम कहां है, हम परमेश्वर के सम्मुख के सामने रहते हैं अगर नहीं है। वापस उस वजन को पढ़ेंगे, अंत करने के लिए मैं जाता हूं। भजन संगीता की बुक है उसकी 42 में जो वजन को पढ़े हैं वापस हम पढ़ के अंत करेंगे। उसकी भजन संगीता की बुक है उसकी 42 है, उसकी 1 और 2 वजन को हम पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, नदी की जल के लिए जैसा हिरनी हांफती है, वैसे ही है परमेश्वर में, वैसा ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ, मैं तेरे लिए आपता हूँ। जीवित ईश्वर हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं उस परमेश्वर की प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा, मैं कब जाके परमेश्वर को अपनी मुंह दिखाऊंगा। आप चेक करें अपने मुंह को, मोबाइल के सामने कितना बार आप दिखाते हैं, चेक करें परमेश्वर के सामने कितना बार अपने मुंह को दिखाते हैं। सुबह से लेके आप चेक करें कितना बार, अगर मोबाइल हमारा मुंह में नहीं है हम ढूंढते हैं उसको लेके देखने के लिए, उसको देख के कुछ करने के लिए हम सोचते हैं, परंतु परमेश्वर की वचन बतलाती है दाऊद की मन की प्यासा है ये परमेश्वर के सामने मैं कभी रह सकता हूं, कभी उसकी चेहरा को मैं देखने वाला बनूं, कभी उसकी चेहरा के सामने रहने वाला बनूं, यही हमारा दिल की इच्छा होने की अवश्य है, यही प्यासा होने की अवश्य है। इसके लिए कुछ चीज की अवश्य है। आप पढ़ेंगे 43 अध्याय उसकी 3 वचन को हम पढ़ेंगे, 43 3 वचन को हम पढ़ेंगे। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज वे मेरी अगुवाई करें वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान पर पहुंचाए। लिखा है बहुत अच्छा सा लिखा है, परमेश्वर की प्रकाशित और उसकी सच्चाई, इसको देखने के लिए अर्पण करें, परमेश्वर की प्रकाशित को जानने के लिए अर्पण करें, परमेश्वर की प्रकाशित आपके जीवन में होने के लिए आप अर्पण करें और उसकी सच्चाई आपके अंदर आने के लिए अर्पण करें, ताकि उसकी वजह से ये दोनों आपको परमेश्वर के निकट लेके जाएगा, परमेश्वर के सम्मुख में आपको कायम रहने के लिए मदद करेगा। आज इस सुबह के समय में आपके जीवन में परमेश्वर के सम्मुख को खोज करने की अवश्य है। इस संसार एक दिन नाश होने वाले हैं, देखने वाले वस्तु नाश होने वाले हैं, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर की प्यासा में रहने वाले के लिए आनंद जीवन मिल सकते हैं। प्रभु आपके साथ हो आज के दिन, और भी परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। God bless you.